एटा में दो बाइक के आपस में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार चार लोगों की मौत हो गई है। दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। थाना रिजोर क्षेत्र के बाकलपुर गांव के पास का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त जिनकी मौत हो चुकी थी उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई थी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर कोयला क्षेत्र के पुराने सीएचसी से गिरकर दो संविदा मजदूरों की मौत हो गई। दोनों 60 फीट की ऊंचाई पर वेल्डिंग कर रहे थे। एनसीएल प्रबंधन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की तत्कालीन सहायता और साथ ही अन्य सुविधाएं देने का भी ऐलान किया गया। मृतक झारखंड के रहने वाले हैं। बदायूं में रोडवेज बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि 8 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे के शिकार हुए लोग भागीरथी कसला गंगा घाट से स्नान करके वापस लौट रहे थे। हादसा उझानी कोतवाली क्षेत्र के बदायूं मथुरा हाईवे पर करुआ पुल गांव के पास हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोडवेज बस जिसकी टेम्पो से टक्कर हो गई थी जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली, साथ ही दो लोगों की मौत हो गई है। तकरीबन 8 लोग जिनको घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये तीन तस्वीरें अब आपके सामने। पहली तस्वीर है एटा से जहां पर चार लोगों की मौत हुई। दूसरी तस्वीर आपको सोनभद्र से दिखा रहे हैं जहां पर दो लोगों की मौत हुई। और तीसरी भी बदायूं की तस्वीर है जहां पर दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी सड़क हादसे में।